तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक ट्रेन के अंदर होती है और अपनी सीट की तरफ जाते समय वो एक आदमी का पॉकेट चुरा लेती है। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। खैर उसका नाम नादिया सिंह होता है और वो एक सिटाडेल की स्पाई एजेंट है, यानी कि वो एक जासूस है। फिर उसे बर्नाल का कॉल आता है जो कि सिटाडेल नाम की एक खुफिया एजेंसी में साइबर एक्सपर्ट होता है। वो नादिया को उसका मिशन बताता है कि तुम्हें गेगोर के बैग को चुराना है जिसके अंदर हाई क्वालिटी यूरेनियम है। उसका यूज करके वो लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं। तभी नादिया के पास उसका पार्टनर मेसन आकर बैठ जाता है। वो भी सिटाडेल में एक स्पाई एजेंट है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। आगे गेगोर वहां से जाने लगता है। उसके साथ उसका पार्टनर भी होता है जो उसको फॉलो करता है। आगे नादिया और मेसन उनका पीछा करने लगते हैं। नादिया गेगोर के पीछे दूसरे कोच में चली जाती है। यहाँ मेसन उसके पार्टनर के साथ फाइट करने लगता है और काफी मुठभेड़ के बाद वो उसे ट्रेन से बाहर धकेल देता है। यहाँ दूसरी तरफ नादिया गेगोर के पास जाकर बैठ जाती है और उसे गन पॉइंट पर लेती है। गेगोर उससे कहता है, तुम्हारा नाम नादिया सिंह है और तुम सिटाडेल की एक एजेंट हो। फिर वो अपना ब्रीफकेस ओपन करके उसे एक टैबलेट दिखाता है जिसमें एक वीडियो चल रहा होता है और उसमें सिटाडेल के एजेंट को बंदी बनाकर मारा जा रहा होता है। ये देखकर नादिया काफी डर जाती है। गेगोर उससे कहता है, ये हमारा प्लान था ताकि हम तुम्हारे जैसे सिटाडेल के एजेंट्स को पकड़कर खत्म कर सके। नादिया गेगोर से उसका असली नाम पूछती है। फिर वो उसे अपने हाथ पे बना एक निशान दिखाता है। तभी उस ट्रेन में बैठे उसके साथी वहां के पैसेंजर को गोलियों से मार देते हैं और नादिया को घेर लेते हैं। तभी उस कोच में मेसन आ जाता है और उन एजेंट को मारने लगता है, जिससे नादिया भी उसे ज्वाइन करती है और उन लोगों को मारने लगती है। यह मरते वक्त गेगोर उनसे कहता है, मेट्रिकॉर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये कहती वो ग्रेनाइट का नॉब निकाल देता है जिससे उस कोच में एक बड़ा धमाका होता है जिसके कारण ट्रेन रिवर में गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल में आता है जहां मेसन को एक बेड से बांधकर रखा होता है। मेसन उसे बचाने के लिए जोर जोर से चीख रहा होता है। आगे एक डॉक्टर उसे बताता है, तुमने हमारे सर्जन के ऊपर हमला किया था और इसीलिए हमने तुम्हें इस बेड से बांधकर रखा है। डॉक्टर उसे कहता है, तुम हमें एक रिवर के पास मिले थे, तुम्हारे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है। डॉक्टर उससे उसका नाम भी पूछता है मगर मेसन को कुछ भी याद नहीं आता। डॉक्टर उसे उसका पासपोर्ट दिखाकर कहते हैं, तुम्हारा नाम काइल कॉनरॉय है और मैंने तुम्हारे देश अमेरिका में तुम्हारे बारे में जांच भी की थी मगर उनके पास भी तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होकर 8 साल पहले मेसन पे आता है जहां मेसन अपने परिवार के साथ होता है। उसकी पत्नी का नाम एबी होता है और उसे एक छोटी बच्ची भी होती है। आगे मेसन एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है क्योंकि उसे पिछले कुछ महीनों से नादिया का चेहरा बार बार याद आ रहा होता है मगर आज के समय उसे उसका नाम भी याद नहीं है। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मेसन उसके पास आया होता है ताकि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस मिल सके। वो थेरेपिस्ट उसे डीएनए टेस्ट करने की सलाह देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर डालिया आर्चर पे आता है जो कि यूके की एम्बेसिडर है। फिर उससे मिलने यूएसए का सेक्रेटरी आया होता है। डालिया उससे कहती है कि सीआईए को एक नई लोकेशन का पता चला है जहाँ पे सिटाडेल का सीक्रेट एक्सकेस रखा है जिसके अंदर सिटाडेल एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ पूरी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स के कोड भी है मगर सेक्रेटरी उसका काम करने से इनकार करता है। तो डालिया उसे धमकी देकर कहती है, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को मारने का ऑर्डर दे दूंगी। जिससे हमें पता चलता है कि यूके की एम्बेसिडर डालिया आर्चर मेट्रिकॉर के लिए काम करती है। फिर सीन शिफ्ट होकर जूरिस में आता है जहाँ डीबी और उसका हमशक्ल भाई एंड्रस एक फैमिली को मार रहे होते हैं। तभी उन्हें डालिया आर्चर कॉल करके कहती है, सीआईए ने सिटाडेल का एक्स केस ढूंढ लिया है और उन्होंने उसे मायामी के शिपयार्ड में रखा है और तुम दोनों का काम है उसे लाकर मुझे देना। फिर सीन कट होकर शिकागो में आता है जहाँ बर्नार्ड ने 3 लोगों को बंदी बनाकर एक रूम के अंदर रखा होता है। बर्नार्ड उनसे पूछता है, डालिया आर्चर यूएसए की सेक्रेटरी से क्यों मिली थी। वो आदमी उसे कहता है कि उसे सिटाडेल का एक्स केस चाहिए ताकि उसे न्यूक्लियर कोर्स मिल सके। तभी बर्नार्ड को एक मैसेज आता है जिसमें मेसन की तस्वीर होती है और उसके ऊपर लिखा होता है डीएनए मैच। फिर आगे हम मेसन को देखते हैं जो कि उसके बॉडी के निशानों को देख रहा होता है। उसे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रात को सोते वक्त उसे नादिया की धुंधली यादें आ रही होती है। फिर वो गैरेज में जाता है और एक बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर उसका पासपोर्ट और एक पुरानी रिंग रखी होती है। फिर वो उस रिंग को गौर से देखने लगता है। तभी उसकी वाइफ एबी का कॉल आता है जो उससे कहती है, घर के अंदर कोई अनजान आदमी घुसा है। आगे मेसन भागकर घर के अंदर जाता है तो बर्नार्ड उसे गन पॉइंट पर लेकर उसकी पूरी फैमिली को जीप के अंदर बैठने के लिए कहता है और उन्हें बेहोश कर देता है। आगे सीन चेंज होकर मायामी में आता है जहां डेविग उसके आदमियों को लेकर सीआईए के शिपयार्ड में आता है और एक मशीन की मदद से एक सीक्रेट लॉकर ओपन करता है जिसके अंदर सिटाडेल का एक्स केस रखा होता है। फिर उसे निकालकर वहां से ले जाता है। यहां दूसरी तरफ हम मेसन को देखते हैं जिसे बंदी बनाकर एक अनजान जगह लाया होता है। बर्नार्ड मेसन को अपने बारे में बताने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहां पे सेफ हो और मैंने तुम्हें यहां इसीलिए लाया है ताकि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा ना सके। बर्नार्ड उसे कहता है, तुम जानना चाहते थे ना कि 8 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर बर्नार्ड उसे एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें बर्नार्ड और मेसन होते हैं। फिर बर्नार्ड उसे उसकी पुरानी वीडियोस दिखाता है जिसमें वो बर्नार्ड के साथ बातें कर रहा होता है। बर्नार्ड उसे बताता है कि तुम सिटाडेल के स्पाई एजेंट हो और तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो निशान बने हुए हैं वो असल में जंग की इंजुरीज हैं। आगे वो कहता है, हमारी सिटाडेल एजेंसी दुनिया के अलग देशों से आए लोगों से मिलकर बनी है और हमारा मिशन है आम लोगों की रक्षा करना और पिछले 100 सालों से हमें कोई भी नहीं जानता था लेकिन 8 साल पहले हम में से एक गद्दार एजेंट ने हमारी सारी एजेंट की इन्फॉर्मेशन गलत लोगों
लोगों को बेच दी, जिसके कारण हमारे साथी मारे गए। बर्नाल आगे कहता है, 8 साल पहले दुनिया के 7 सबसे अमीर फैमिली ने मिलकर मेट्रिकॉर एजेंसी को बनाया था ताकि वो दुनिया पे हुकूमत कर सके, और उन्होंने हमारे सारे एजेंट्स को मार दिया है। और हाल ही में उन्हें सिटाडेल का एक्स केस मिल चुका है और वो उसे लेकर न्यूयॉर्क जा रहे हैं ताकि वो उसे ओपन करके न्यूक्लियर कोड्स को हासिल कर सके। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको। लेकिन मेसन उससे कहता है उसे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी बर्नाल उसकी फेस की तरफ एक नाइफ फेंकता है, जिसे मेसन काफी आसानी से पकड़ लेता है। बर्नाल उसे कहता है, अभी तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, मगर तुम्हारी बॉडी अभी भी एक एजेंट की तरह है, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। बर्नाल उसे कहता है कि तुम हमारे एजेंट्स में से सबसे बेस्ट एजेंट हो, और तुम्हारे साथ नादिया सिंह भी थी। फिर वो उसे नादिया की फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि अभी उसे पता नहीं कि नादिया कहाँ पे है। फिर बर्नाल उसे कहता है कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चल रहे हो ताकि हम उस एक्स केस को वापस ला सके। फिर सीन कट होता है जहाँ हम नादिया को रिवर से बाहर आते हुए देखते हैं। उस वक्त उसकी हालत काफी खराब होती है, उसके पैर में गोली लगी होती है। तभी उसे बर्नाल का कॉल आता है, नादिया उसे बताती है कि उनको फंसाया गया था। बर्नाल उसे कहता है, मैंने बैकस्टॉप ऑन कर दिया है और अगले 2 घंटे में वो शुरू हो जाएगा। खैर आगे नादिया एक कार को रोकती है और उसे हॉस्पिटल में चलने के लिए कहती है, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन कट होकर एक कमरे में आता है जहाँ नादिया को एक बेड से बांध कर रखा होता है और उसके पैर में लगी गोली को भी बाहर निकाला होता है। फिर नादिया को होश आता है और वो देखती है कि उसके बेड के सामने हाथ में गन लिए एक आदमी बैठा है जो कि उसे गौर से देख रहा होता है। नादिया उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, मगर वो नादिया की बात नहीं मानता। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। एक वक्त तो आदमी उसके ऊपर भारी पड़ता है, मगर नादिया एक बेहतरीन एजेंट होती है, घायल होने के बाद भी वो उसे मार देती है। खैर तभी बर्नाल ने बताए हुए 2 घंटे पूरे हो जाते हैं और हम देख सकते हैं कि नादिया के गले में एक सेंसर लगा होता है जो चमकने लगता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, डिलीटिंग मेमोरी, यानी उसकी जिंदगी की सारी यादें मिटने वाली थी। नादिया तुरंत एक पेन उठाकर अपने हाथ पर कुछ लिखती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से होश आता है, उस वक्त उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। फिर वो उसके हाथ को देखती है जिस पर लिखा होता है, गो टू वैलेंसिया। फिर नादिया अपना पासपोर्ट लेकर वहां से चली जाती है। आगे सीन चेंज होकर 8 साल बाद योंगमिंग में आता है, जहां मेंसन की वाइफ एबी उससे पूछती है, तुम जासूस कैसे हो सकती हो, तुम्हें कॉकरोच को मारने से पहले 10 बार सोचते हो, हो सकता है बर्नार्ड ने तुम्हें जो वीडियो दिखाई थी वो नकली हो। मगर मेंसन को बर्नार्ड की बातों पर यकीन होता है। यहां दूसरी तरफ बर्नार्ड जो से कहता है, हमें मेंसन को सब सच बताना चाहिए, मगर जो उसे ऐसा करने से मना करती है। आगे मेंसन अपनी फैमिली को अलविदा कर बर्नार्ड के साथ चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क के एक मेट्रिकॉर बिल्डिंग में आता है। बर्नार्ड मेंसन से कहता है, तुम्हें इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाकर एक्स केस को सही सलामत लेकर आना है, मैंने वहां की सिक्योरिटी हैक कर ली है और तुम्हारी एक नकली आईडी बना दी है। यहां दूसरी तरफ डेविक ने उस एक्स केस के 5 लॉक ओपन कर दिए होते हैं, अभी उसे सिर्फ 2 लॉक ओपन करने हैं। फिर मेंसन उस लैब में जाने लगता है, बर्नाल उसकी वैन में बैठकर उसे गाइड कर रहा होता है। तभी वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। आगे लैब में जाने के बाद मेंसन एक्स केस को लेकर वहां से भागने लगता है और वैन में बैठकर वहां से चला जाता है, मगर ऐसा करते हुए डेविक उसे देख लेता है। आगे डेविक डालिया आर्चर को कॉल करके एक्स केस चोरी होने की रिपोर्ट देता है। डालिया मेंसन का नाम सुनकर चौंक जाती है और वो उससे कहती है कि वो 8 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन डेविड उसे कहता है, मुझे पक्का यकीन है वो मेसन ही था। डालिया उसे किसी भी कीमत पर उसे एक्स केस को लाने के लिए कहती है। यहाँ वैन में मेंसन बर्नाल से कहता है, अभी हमारा मिशन पूरा हो चुका है तो हमें वापस योमिंग चलना चाहिए, लेकिन बर्नाल उसे कहता है, मेट्रिकॉर के लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और वो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को ढूंढ रहे होंगे, इसलिए हम घर वापस नहीं जा सकते। मेंसन उसके ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि बर्नाल ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई होती। आगे बर्नाल उसे एक्स केस के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए कहता है। जैसे ही मेंसन उसके ऊपर हाथ रखता है, वो केस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिसके अंदर सिटीडेल के एजेंट्स के नाम होते हैं और उसके नीचे मेडिसिन की ट्यूब रखी होती है। बर्नाल उसे कहता है, तुम अपने नाम की मेडिसिन अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लो, जिससे तुम्हारी पुरानी याददाश्त वापिस आ जाएगी। मेंसन इसी दिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी दुर्भाग्य से डेविक बर्नाल के ऊपर गोली चलाता है, जिससे वो घायल होता है और उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे डेविक वहां आकर मेंसन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, मगर मेंसन उससे बचकर एक कार लेकर वहां से भाग जाता है। और एक सेफ जगह जाने के बाद मेंसन अपनी कार रोक देता है और उस मेडिसिन की ट्यूब को देखने लगता है, मगर वो ग्लास की ट्यूब पहले ही ब्रेक हो चुकी थी, जिससे मेंसन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसे एक्स केस से आवाज आने लगती है और स्क्रीन के ऊपर नादिया की तस्वीर आती है और उसका लाइव लोकेशन वैलेंसिया स्पेन में आता है। आगे मेंसन स्पेन के एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहां उसे नादिया मिलती है, मगर नादिया की याददाश्त चले जाने के कारण अभी वो मेंसन को पहचान नहीं पाती। फिर मेंसन उसे ट्रेन एक्सीडेंट की याद दिलाता है, जिससे उसे कुछ बातें याद आने लगती है। आगे मेंसन उसे एक्स केस से मेडिसिन की ट्यूब दिखाता है और उसे कहता है, इसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करने से तुम्हारी खोई हुई याददाश्त वापिस आ जाएगी। तभी वहां पे डेविक का आदमी आकर उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, पर नादिया उसे पैन से घायल कर देती है। आगे उनके ऊपर डेविक हमला करता है और मेंसन के कंधे में गोली मार देता है। फिर नादिया को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता था उन्होंने उसे भी मार
दिया है। फिर डेविक उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। उस वक्त डेविक को पता नहीं होता कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और इसी वजह से नादिया उसके आगे टिक नहीं पाती। आगे मेंसन वहां आकर उसे मेडिसिन की ट्यूब देता है जिसे वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है जिससे उसकी याददाश्त लौट आती है। फिर नादिया कुछ ही पल में डेविक को मार देती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। आगे सीन शिफ्ट होकर डायलिया पे आता है। डेविक उसे कॉल करके कहता है उसे यक्स केस को हासिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए और उसे बताने लगता है कि नादिया अभी भी जिंदा है। नादिया का नाम सुनकर डायलिया उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि नादिया को मारने की सुपारी उसने डेविक के भाई को दी होती है। बर्नाल अभी भी जिंदा होता है और उसे बंदी बनाकर डायलिया के सामने रखा होता है। डायलिया उसे सिटीडल के राज बताने के लिए कहती है। तभी सीन कट होकर स्पेन में आता है जहाँ नादिया और मेसन सिटीडल के एक सेफ हाउस में जाते हैं। अंदर जाने के बाद नादिया मेसन को लगी हुई गोली निकाल रही होती है। उस वक्त नादिया मेसन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। मेसन उसे बताता है 8 साल पहले ही उसने अभी से शादी कर ली और अभी उसे एक बेटी भी है। फिर मेसन नादिया से पूछता है ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों में कुछ रिश्ता था। नादिया उससे कहती है हमारा रिश्ता काफी कम समय के लिए था और अब वो खत्म हो चुका है। फिर सीन कट होकर 10 साल पहले ओथ में आता है जहां मेसन सिटीडल के US हेडक्वार्टर में जाता है जहां उसे एक मिशन के लिए बर्नाल ने बुलाया होता है। आगे ग्रेस वहां आकर उसे बताती है हसन ने एक वायरस इन्वेंट किया है और वो उसे US नेशन में फैलाने की तैयारी कर रहा है। अगर वो वायरस अमेरिका में फैल गया तो जल्दी ही वो वायरस एक महामारी का रूप ले लेगा, इसलिए तुम्हें अलबोश के पहाड़ों में जाना है जहां हसन की एक एडवांस लैब है और उस वायरस को चुरा कर यहां ले आना है। ग्रेस मेसन को चेतावनी देती है कि वहां पे टाइट सिक्योरिटी है और हर जगह CCTV कैमरा लगे हैं और उनके पास ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्चर भी है, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए वहां हमारी एक सीक्रेट एजेंट भी होगी जो कि काफी सालों से हसन के साथ उसकी वफादार एजेंट बनकर काम कर रही है, वो तुम्हारी वहां मदद करेगी। फिर सीन कट होकर अरबोश के बर्फीले पहाड़ी में आता है जहां मेसन उस वायरस को चुरा कर वहां से भाग रहा होता है और उसकी मदद करने के लिए एक फाइटर जेट भी होता है। वह मेसन के ऊपर पैराट्रूप्स गोलियां चला रहे होते हैं जिन्हें मेसन काफी आसानी से मार देता है। तभी एजेंट कार्टर जो कि उसे सिटीडल के ऑफिस से गाइड कर रहा होता है उसे बताता है एक मिसाइल तुम्हारी तरफ ही आ रही है। मेसन उस मिसाइल से बचने की कोशिश करता है मगर उस ब्लास्ट के कारण वो बेहोश हो जाता है और उसकी कुछ फसलियां भी टूट जाती है जिससे मेसन का कम्युनिकेशन कार्टर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मेसन को पैराट्रूप्स घेर लेते हैं। मेसन के पास बचने का एक ही रास्ता था कि वो उस पहाड़ी से नीचे कूद जाए और वो यही करता है जिससे वो एक पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है और स्केटिंग करके वहां से भागने लगता है मगर पैराट्रूप्स वहां भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। यह कार्टर उसे बताता है आगे बर्फीला रास्ता नहीं है जिससे मेसन उस पहाड़ी से गिर जाता है। आगे पैराट्रूप्स वहां आकर उसे घेर लेते हैं। तभी हम नादिया को देखते हैं और उसके अगले ही पल एक व्हीकल का ब्लास्ट हो जाता है। फिर नादिया और मेसन उन पैराट्रूप्स को मार देते हैं और एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भाग जाते हैं। सिटीडल के हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद नादिया मेसन से मिलने उसके रूम में जाती है। नादिया उससे कहती है तुम्हारी वजह से आज हम उस वायरस को खो देते मगर मेरे कारण हमने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया। मेसन नादिया से पूछता है तुम एजेंट कैसे बनी। नादिया उससे कहती है उसकी माँ पहले सिटाडेल के एजेंट रह चुकी है। फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज होकर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर सिटाडेल के सेफ हाउस में आता है जहाँ नादिया किसी अननोन आदमी से चैटिंग कर रही होती है। नादिया उससे पूछती है हाउस द पैकेज, वहाँ से रिप्लाई आता है वेटिंग फॉर यू। फिर सीन कट होकर बर्नाल पे आता है जहाँ डालिया उसे केस दिखाकर कहती है हमारे यहाँ सिटाडेल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जिसकी मदद से हम दुनिया भर के यूरेनियम को खोज सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी तुमने बनाई है बर्नाल। हमारी टीम उस केस को पिछले 7 सालों से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाए, तो मुझे उस केस को ओपन करने का पासवर्ड चाहिए। मगर बर्नाल उससे कहता है वो किसी भी कीमत पर पासवर्ड नहीं बताएगा। डालिया उससे कहती है मुझे तुम्हारी फैमिली का लोकेशन पता है, अभी वो यूमिंग में है और जल्दी ही मेरी टीम उनका पता लगा लेगी। डालिया उससे आगे कहती है तुम्हें सिटाडेल का असली राज नहीं पता। फिर वो उसे अपना जला हुआ हाथ दिखाती है। डालिया उससे आगे कहती है पिछले साल हमने तुम्हारे एजेंट कार्टर को पकड़ लिया है और उसे टॉर्चर करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। फिर एक डेंटिस्ट वहां आ जाता है और बर्नाल के दांत निकालना चालू करता है मगर फिर भी बर्नाल उसे पासवर्ड नहीं बताता। फिर डालिया उससे कहती है हमारे पास और एक रास्ता है उस पासवर्ड को निकालने का, हम तुम्हारे स्कल में एक ड्रिलिंग से छेद करेंगे और वहां से तुम्हारी मेमोरी निकाल लेंगे। फिर एंड्रेस एक मशीन लेकर वहां आता है और उसके स्कल में ड्रिलिंग करने वाला होता है। तभी बर्नाल उसे कहता है मुझे तुम्हारी पत्नी का लोकेशन पता है। ये सुनकर एंड्रेस उससे कहता है मेरी पत्नी 7 साल पहले ही मर चुकी है। फिर बर्नाल उससे कहता है मुझे मेरा फोन ला कर दो, मैं तुम्हें उसके जिंदा होने का सबूत देता हूँ। आगे सीन कट होकर मेसन पे आता है जो अपनी वाइफ एबी को बता रहा होता है जैसे ही मिशन कंप्लीट हो जाएगा वो घर वापस आ जाएगा। तभी वहाँ नादिया आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। नादिया मेसन से कहती है तुम आज ही फ्लाइट पकड़ कर यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेट्रिकॉर के लोग हमारे पीछे पड़े हैं। मगर मेसन उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। नादिया उससे कहती है तुम मेरे लिए एक बोझ हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेसन उससे कहता है तो तुम मुझे
मुझे ट्रेनिंग देकर फिर से मेसन केन बनाओ, क्योंकि अभी उस एक्स केस के अंदर दो व्हाइट लाइट है और बाकी की सारी रेड लाइट चमक रही है। तभी नादिया उस एक्स केस को ओपन करती है तो उस स्क्रीन के ऊपर कई सारी रेड लाइट होती है। नादिया मेसन से कहती है रेड लाइट का मतलब इमरजेंसी मैसेजेस होता है। फिर वो उस मैसेज को ओपन करती है तो एजेंट कार्टर ने कई सारे वीडियो मैसेजेस भेजे होते हैं और उसका लास्ट वीडियो मोरा को फेस से होता है, जिसमें वो बताता है मेट्रिकोर के लोगों को मेरा पता चल चुका है और कभी भी वो मुझे पकड़ सकते हैं। फिर नादिया मेसन को बताती है उसे वहाँ पे 2 हफ्तों के लिए टॉर्चर किया गया था, अभी उस जगह को बाल्दुओ बास्टो चला रहा है। मैं वहाँ पे जाती मगर बाल्दुओ के आदमी मुझे ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैंने उसके भाई को मार डाला था, मगर तुम वहाँ जा सकते हो क्योंकि मेसन केन और बाल्दुओ की पुरानी दोस्ती है। फिर सीन शिफ्ट होकर मोराको में आता है जहाँ मेसन बाल्दुओ से मिलने उसके अड्डे पे जाता है। उस वक्त नादिया उसे गाइड कर रही होती है। नादिया ने उसे एक लाइटर दिया होता है जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर फिट किया होता है जिससे वो उन दोनों की बातें सुन सके। फिर मेसन बाल्दुओ से मिलकर बातें करने लगता है। मेसन का लाइटर देखकर वो उससे पूछता है क्या ये लाइटर तुम्हें नादिया ने दिया है। ये सुनकर मेसन शॉक हो जाता है। बाल्दो उससे कहता है तुम्हें गद्दार सिटीरेल के एजेंट के लिए काम कर रहे हो, उसने सारे सिटीरेल के एजेंट्स को मरवा डाला। उस वक्त नादिया मेसन को वहाँ से निकलने के लिए बोल रही होती है मगर मेसन बाल्दुओ ने बताई हुई बातों को सुन रहा होता है। जाते समय मेसन और बाल्दुओ के बेटे के बीच लड़ाई हो जाती है जिसे मेसन उसके बेटे को गन पॉइंट पे लेता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ वहाँ से जाते समय मेसन नादिया से पूछता है क्या तुमने सिटीरेल को धोखा दिया था। नादिया उससे कहती है बाल्दुओ तुमसे झूठ बोल रहा है, अगर मैंने सिटाडेल को धोखा दिया होता तो मैं तुम्हें भी मार देती। फिर सीन कट होकर बर्नाल पे आता है जहाँ एंड्रेस उसे एक फोन लाकर देता है। बर्नाल उसे एक फोटो दिखाता है जो कि मेसन की वाइफ एबी की होती है, जिसे देखकर एंड्रेस हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी वाइफ को मरा हुआ समझ रहा था। बर्नाल उसे कहता है अभी तुम्हारी वाइफ एबी मेसन की पत्नी है। बर्नाल उसे कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, अभी तक तुम्हें जो कुछ भी पता है वो असल में झूठ है। हम मेसन और नादिया को मेट्रिकोर की ब्लैक साइड पे देखते हैं जहाँ एजेंट कार्टर को बंदी बनाकर रखा होता है। फिर दोनों मिलकर वहाँ के सोल्जर्स को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और कार्टर के सेल में चले जाते हैं, जहाँ कार्टर उन दोनों को देखकर खुश होने की बजाय उनसे डरने लगता है। कार्टर नादिया से कहता है तुम्हारे ही कारण सिटेडेल का नामोनिशान मिटने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होकर 10 साल पहले पेरिस में आता है जहाँ मेसन और नादिया एक दूसरे के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहे होते हैं। नादिया मेसन से कहती है हमारे अगले मिशन में मेरी एक खास दोस्त हमारे साथ काम करेगी जिसका नाम सेलेस्टी ग्राम है, जो मेरे साथ ब्राउ टीम में काम कर चुकी है। कई साल पहले उसने मेरी जान भी बचाई थी। खैर सीन चेंज होकर सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ नादिया मेसन को सेलेस्टी से मिलवाती है। ये सेलेस्टी कोई और नहीं बल्कि मेसन की वाइफ एबी होती है। खैर मेसन उन्हें अपने अगले मिशन के बारे में बताने लगता है। वो कहता है डेविक और एंड्रेस ये जुड़ाव भाई मिलकर अपना क्रिमिनल का बिजनेस एम्स्टरडेम में फैला रहे हैं। उन दोनों में से एंड्रेस काफी होशियार है, फिलहाल वो अभी ओस्की के ऊपर काम कर रहा है जिसकी मदद से वो किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी को हैक कर सकते हैं। इससे पहले कि वो उसे यूज करे हमें उनको रोकना होगा और इस काम को करने की जिम्मेदारी मेसन सेलेस्टी को देता है। मेसन उससे कहता है तुम्हारा मिशन एंड्रेस को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उसे ओस्की को चुरा कर हमारे पास ले आना है। मेसन उसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है जैसे कि तुम्हें हर हफ्ते मुझे कॉल करके वहाँ की जानकारी देनी होगी। आगे सेलेस्टी मेसन ने जैसा बताया होता है वैसे ही एंड्रेस को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। एंड्रेस भी उसके प्यार में घायल हो जाता है मगर डेविक को सेलेस्टी के ऊपर पहले दिन से शक होता है, पर अपने भाई की खातिर वो उसे कुछ नहीं कहता। सेलेस्टी एक दिन एंड्रेस से पूछती है तुम ये कौन सी चीज बना रहे हो जिसमें तुम हर वक्त खोए रहते हो। एंड्रेस उसे सीधा जवाब ना देते हुए उसे कहता है फिलहाल मैं कोडिंग कर रहा हूँ। फिर सीन चेंज होकर लंदन में आता है जहाँ मेसन और नादिया एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। अभी 3 महीने खत्म होने वाले हैं मगर फिर भी सेलेस्टी ने मुझे एक बार भी रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं ऑप्स टीम को वहाँ भेजने वाला हूँ। मगर नादिया उससे कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो उसके जान को खतरा भी हो सकता है। मेसन उससे कहता है सेलेस्टी का डेविड नाम का एक जुआरी भाई है और उसके ऊपर लाखों का कर्जा भी है। मुझे डर सता रहा है कहीं सेलेस्टी उस ओस्की को चुरा कर अपने भाई के खातिर किसी गलत आदमी को बेच न दे। या दूसरी तरफ हम सेलेस्टी को देखते हैं जो एंड्रेस के लैब में जाकर उस ओस्की को चुरा लेती है और उसकी जगह एक नकली की रख देती है। उसे ऐसा करते हुए डेविक देख लेता है और उसे मारने लगता है, मगर सेलेस्टी भी एक टायर 1 की एजेंट होती है। वो डेविक से लड़कर उसके सिर पे एक फर्श मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उस वक्त मेसन ने भी वहाँ पे ओप्स टीम को भेजा होता है। फिर सीन कट होकर सिटेडेल के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ एजेंट कार्टर मेसन से कहता है हमारी टीम ने सेलेस्टी और एंड्रेस को पकड़ लिया है मगर डेविक वहाँ से भाग निकला। तभी हम देखते हैं मेसन को एक मैसेज आता है जिसे देखकर मेसन काफी परेशान हो जाता है। उसमें लिखा होता है उसका नाम मत बताना। फिर वहाँ ओप्स टीम एंड्रेस और सेलेस्टी को लेकर वहाँ आ जाते हैं।
मैं सेलिस्टी से अकेले पूछताछ करूंगा। नादिया उससे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर मेसन इसके लिए मना कर देता है। आगे मेसन सेलिस्टी के रूम में जाता है और उससे ओस्की के बारे में पूछता है। सेलिस्टी उसे बताती है ओस्की मेरे पास नहीं है, उसे डेविड चुरा कर भाग गया। मगर मेसन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। मेसन उसे ऑनलाइन डेविड की लाइव लोकेशन दिखाता है जो कि उसका भाई होता है और वो एक बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है। मेसन उससे कहता है, अगर तुमने मुझे ओस्की के बारे में नहीं बताया तो मैं डेविड को गोली मारने का ऑर्डर दे दूंगा। पर सेलिस्टी का एक ही जवाब होता है कि उसे ओस्की के बारे में नहीं पता। यहाँ मेसन डेविड को शूट करने का ऑर्डर दे ही रहा होता है, तभी नादिया वहाँ आकर मेसन को रोक देती है। आगे मेसन नादिया के ऊपर गुस्सा होता है। नादिया उसे बताती है, मैं सेलिस्टी को 5 सालों से जानती हूँ, वो सच बोल रही है कि ओस्की उसके पास नहीं है। फिर ग्रेस मेसन से कहती है, हमें सेलिस्टी को किसी सेफ हाउस में रखना होगा। मगर नादिया उसे कहती है डेविड उसे वहाँ भी ढूंढ लेगा। आगे नादिया एंड्रेस से पूछताछ करने वहाँ से चली जाती है। फिर मेसन ग्रेस से कहता है, हमें सेलिस्टी को बैकस्टॉप करना होगा, यानी कि उसकी यादों को मिटाना होगा। पहले तो ग्रेस इसके लिए मना करती है, मगर मेसन उसे कहता है सेलिस्टी को सिटीडेल की सारी इन्फॉर्मेशन पता है, वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है, इसलिए हमें उसकी यादों को मिटाना होगा, मगर हम इसके बारे में नादिया को नहीं बताएंगे। फिर कार्टर सेलिस्टी से मिलकर उसे आगे की प्लानिंग समझाने लगता है कि वो उसे एक सेफ हाउस में रखने वाले हैं, मगर उससे पहले हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को चेंज करेंगे जिससे डेविड तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। सेलिस्टी इसके लिए मान जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि सिटीडेल उसकी मेमोरी को मिटाने वाला है। आगे मेसन बर्नार्ड से मिलकर उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने सेलिस्टी की यादें मिटाने में मदद की थी। हमें सेलिस्टी की यादों के ग्लास को तोड़ना होगा। बर्नार्ड मेसन को वार्न करता है, अगर उसने एक बार यादों के ग्लास को तोड़ दिया तो फिर वो उस यादों को दोबारा वापस नहीं ला सकता। खैर आगे हम देखते हैं सेलिस्टी को मैक्सिको के लैब में लाया जाता है और उसकी यादों को मिटाया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ कार्टर मेसन से मिलने आता है। कार्टर उससे कहता है, मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ, मगर आज मुझे तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब लगा, इसलिए मैंने सर्वर के सारे मैसेजेस को चेक किया तो मुझे उसमें एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिला जो कि टायर 1 के एजेंट ने ओप्स टीम के चीफ को भेजा था। उस मैसेज में लिखा था, ओस्की को यहाँ से दूसरी जगह डिलीवर कर दो, और ये ऑर्डर उसे नादिया ने दिया था। ये सुनकर मेसन परेशान हो जाता है। आगे कार्टर उससे कहता है, तुम नादिया से प्यार करते हो, इसीलिए तुमने उसका सारा इल्जाम सेलिस्टी के ऊपर थोप दिया ताकि हमें नादिया के ऊपर शक ना हो। कार्टर को देखते हैं जो नादिया की तरफ देखकर उससे कहता है, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तभी सीन चेंज होकर 9 साल पहले एथेंस में आता है, जहां मेसन नादिया से पूछता है, क्या ओस्की तुम्हारे पास है? नादिया उसे बताती है, ओस्की डेविड के पास है। आगे नादिया मेसन से कहती है, मुझे सेलिस्टी से बात करनी है, मगर मेसन उससे कहता है, ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। फिर नादिया मेसन से पूछती है, हमारा अगला मिशन क्या है? मेसन उसे बताता है, आज के दिन तुम एलेक्जेंड्रा हो और मैं जोनाथन हूँ, और हाल ही में हमारी शादी हुई है और हम यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए हैं। आगे मेसन नादिया को एक रिंग देता है जिसे नादिया पहन लेती है और कहती है, बर्नार्ड ने हमें इस मिशन के लिए काफी अच्छी रिंग दी है। मगर मेसन उससे कहता है, ये रिंग मैंने तुम्हें दी है। आगे मेसन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, इससे नादिया हैरान हो जाती है। नादिया उससे पूछती है, ये तुम्हारे मिशन का कोई हिस्सा तो नहीं है और तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? तभी सीन कट होकर बर्नार्ड पे आता है, जहाँ बर्नार्ड एंड्रेस को एक फोटो दिखाता है और कहता है, तुम्हारी वाइफ एबी अभी भी जिंदा है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मुझे यहाँ से आजाद करो। आगे एंड्रेस उसकी रस्सी को खोल रहा होता है, तभी डालिया वहाँ आ जाती है और उसे गोली मारती है जिससे एंड्रेस की मौत हो जाती है। आगे डालिया बर्नार्ड से कहती है, ये दुनिया काफी खतरनाक है और न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक सिटाडेल है। आगे बर्नार्ड उससे कहता है, तुम्हारे इस कारनामे के कारण थॉमस तुम पर शर्मिंदा होगा, जिससे डालिया गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, हमारा काम दुनिया के सारे खतरनाक हथियारों को खत्म करना है और मैं इसके लिए किसी भी स्पाई एजेंट को मार सकती हूँ जिससे इनोसेंट लोगों की जान बच सके, जैसे कि तुम्हारे सिटाडेल के एजेंट ने तुम लोगों को धोखा दिया। फिर सीन शिफ्ट होकर 9 साल पहले सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ नादिया को एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में लिखा होता है, सेलिस्टी सेफ हाउस में नहीं है, उसके साथ कुछ तो हो गया है और उसकी मेमोरी को किसी ने मिटा दिया है और उसको बैकस्टॉप करने में बर्नार्ड ने मदद की है, जिससे नादिया शॉक हो जाती है और बर्नार्ड से मिलने उसके कैबिन में जाती है और उससे पूछती है कि मेसन को इसके बारे में पता था, मगर बर्नार्ड उसे कुछ जवाब नहीं देता, जिससे नादिया समझ जाती है कि मेसन को इसके बारे में पहले से ही पता था। आगे नादिया मेसन से मिलने एक होटल में जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें सेलिस्टी की बैकस्टॉप के बारे में पता था तो तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? मेसन उससे कहता है, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, मुझे पता था ओस्की तुम्हारे पास है, इसीलिए मैंने उसकी यादों को मिटाकर तुम्हारा सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया। मगर मेसन उससे कहता है, मैंने इसके बारे में तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुमने उस ओस्की को बेच दिया या किसी आदमी को सौंप दिया, मगर तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आगे नादिया उससे कहती है, तुम्हें सेलिस्टी की मेमोरी को वापस लाना होगा, मगर मेसन उससे कहता है, मैंने उसकी मेमोरी को सिस्टम से इरेज कर दिया है, जिससे सुनकर नादिया हैरान हो जाती है।
जाती है। मेसन उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने उसके मेमोरी को मिटा दिया। आगे दोनों में झगड़ा होने लगता है। आगे मेसन उससे कहता है, बचपन में मैं 5 साल का था तब मेरे पिता गुजर गए और मेरी माँ ने मरने के लिए मुझे ऐसा ही छोड़ दिया, मगर सिटाडेल के लोगों ने मुझे अपनाया और बड़ा किया। आगे नादिया अपने हाथ की रिंग निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे नादिया को एक अननोन आदमी का फोन आता है, फिर नादिया उससे मिलने जाती है। वो आदमी उससे कहता है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें वेलेंसिया जाना होगा। फिर वो आदमी उसे प्लेन की टिकट भी देता है। नादिया उससे कहती है, इसके बारे में मेसन को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। फिर सीन कट होकर कार्टर पे आता है, जहाँ कार्टर नादिया से कहता है, सिटाडेल के खत्म होने से 1 साल पहले तुम राही गंभीर से मिली थी। तभी वहाँ पे वार्निंग बेल बजने लगती है, जिससे वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन कट होकर बरनाल पे आता है, जहाँ डायलिया उसे एक लैपटॉप में उसकी फैमिली के लाइव लोकेशन दिखाकर उससे कहती है, अगर तुमने मुझे न्यूक्लियर कोड नहीं बताया तो मैं तुम्हारे फैमिली को शूट करने का ऑर्डर दे दूंगी। मगर बरनाल उसे कोड बताने के लिए तैयार नहीं होता। फिर डायलिया उसकी फैमिली को मारने का ऑर्डर देती है। तभी बरनाल उसे रोक लेता है और न्यूक्लियर वेपन के कोड बता देता है। आगे डालिया वहां से जाते समय बरनाल की फैमिली को मारने का ऑर्डर दे देती है, जिससे बरनाल उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, मगर डालिया उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं, डालिया ने भेजे हुए फाइटर प्लेन्स बरनाल की फैमिली को मारने के लिए वहां जाते हैं। तभी उनके घर में वार्निंग बेल बजने लगती है। यहां बरनाल की वाइफ जो को पता चल जाता है कि फाइटर प्लेन्स उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तभी वो वहां से निकल जाते हैं। यहां दूसरी तरफ हम देखते हैं, डालिया को एक कॉल आता है, जहां डेविक उसे बताता है मेसन और नादिया कार्टर को लेकर वहां से भाग गए। फिर डालिया डेविक से कहती है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स के कोड है, हमें बस मेसन के फिंगरप्रिंट चाहिए, इसीलिए तुम्हें मेसन को पकड़ना होगा, मगर उससे पहले तुम्हें वेलेंसिया जाकर राही गंबे के पास की एक चीज मेरे पास लेकर आनी है। डालिया डेविक से कहती है, बरनाल ने एंडर्स को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई, जिसे सुनकर डेविक काफी गुस्सा हो जाता है। फिर सीन कट होकर नादिया पे आता है, जहां कार्टर और मेसन नादिया से पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या छुपा रही हो। नादिया उससे कहती है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, मगर कार्टर उससे कहता है, तुम डबल एजेंट हो, तुम मेट्रिकॉल के लिए भी काम करती हो, सिटाडेल के खत्म होने से 1 साल पहले तुम वेलेंसिया चली गई थी और वहां राही गंभीर के साथ मिलकर तुमने सिटाडेल के ऊपर हमला किया था। मेसन उससे पूछता है, वेलेंसिया में क्या है। नादिया उसे बताती है, वेलेंसिया में मेरी बच्ची है। ये सुनकर मेसन हैरान हो जाता है। फिर नादिया उन्हें उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है कि 8 साल पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए ही ये सब किया है। मेसन उससे पूछता है, क्या ये मेरी बच्ची है। नादिया उसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर सीन कट होकर वॉशिंगटन डीसी में आता है, जहां डालिया एक मेट्रिकॉर की लेडी से मिलती है। तभी डालिया को एक कॉल आता है, जिसमें एक एजेंट उसे बताता है कि हमने रशिया की ट्रेनिंग सिस्टम को बंद कर दिया है, मगर हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। डालिया उससे कहती है, हम उस कोड को ओवरराइड कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें मेसन के फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। फिर सीन कट होकर मेसन पे आता है, जहां मेसन नादिया से पूछता है, अभी मेरी बेटी कहां पे है। कार्टर उससे कहता है, अभी वो राही गंभीर के पास है, जो कि एक टेररिस्ट है। तभी नादिया उनसे कहती है, वो टेररिस्ट नहीं है बल्कि मेरे पिता है। फिर हम नादिया के पास्ट को देखते हैं, जहां वेलेंसिया से जाते वक्त नादिया अपनी बच्ची को एक ब्रेसलेट पहनाती है। तभी वहां पर कई सारी कार्स आ जाती है और उन तीनों को घेर लेती है। फिर एक आदमी कार से उतरकर उनके सामने आ जाता है, तुमसे कोई बात करना चाहता है। आगे डालिया मेसन से कहती है, पैसिफिक ओशन में एक सबमरीन है जिसमें 5 न्यूक्लियर वेपन्स है और उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए। मगर मेसन उससे कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी वो आदमी मेसन को एक ब्रेसलेट दिखाता है, जिसका मतलब नादिया और मेसन की बच्ची डालिया के कब्जे में है। फिर सीन कट होकर 30 साल पहले साइबेरिया में आता है, जहां एक हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज चल रहा होता है और जिन्हें यंग मेसन केन देख रहा होता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद मेसन पे आता है, जहां मेसन एक लेडी से पूछता है, मेरी माँ घर पर कब आएगी। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है, जहां मेसन और नादिया को बंदी बनाकर ले जाया जाता है। तभी उन्हें डालिया अर्चल कॉल करके एक मिशन के बारे में बताती है। डालिया उससे कहती है, अगर तुमने मेरा मिशन कम्प्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। मेसन उससे कहता है, पहले मुझे मेरी बेटी को देखना है। फिर एक आदमी उसे उसकी बेटी का वीडियो दिखाता है, जिसमें नादिया की बेटी को बंदी बनाया होता है। खैर, फेज पहुंचने के बाद डालिया मेसन को वीडियो कॉल करती है और उसे अगले मिशन के बारे में बताती है कि तुम्हें डेवी के साथ पैसिफिक ओशन में जाना है, जहां तुम्हें रशियन सबमरीन मिलेंगी जिसे तुम्हें हैक करना है। उसके अंदर 5 न्यूक्लियर वेपन्स है, तुम्हें उसका कोर निकाल कर लाना है। नादिया डालिया से कहती है, ये मेरी बच्ची है तो इस मिशन को मैं ही कंप्लीट करूंगी। मगर डालिया उसे बताती है, तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकती। फिर कार्टर नादिया से कहता है, जब तुमने रेड शेल मिशन को छोड़ दिया था तब उस मिशन को मेसन ने कंप्लीट किया था और उस सबमरीन को अपने फिंगरप्रिंट से लॉक किया था, तो इसलिए उस सबमरीन को सिर्फ मेसन ही अनलॉक कर सकता है। आगे मेसन कार्टर से पूछता है, ये रेड शेल मिशन क्या था। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है, जहां ग्रेस मेसन को बता रही होती है, रशिया की एक डेड सबमरीन पैसिफिक ओशन में है। उस सबमरीन के अंदर 5 न्यूक्लियर वेपन्स है और तुम्हें उस सबमरीन को हैक करके हमारा सिटाडेल का कोड लगाना है, ताकि हमारे सिटाडेल के एजेंट उसे एक्सेस कर सके। जब ग्रेस बात कर रही होती है, उस वक्त मेसन काफी परेशान होता है। ग्रेस उससे पूछती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। मेसन उससे कहता है, इस मिशन के लिए तुम्हें नादिया को बुलाना चाहिए। फिर आगे ग्रेस मेसन से कहती है, तुम्हें 5000 फीट से जंप करके सबमरीन के ऊपर उतरना है और उसका कंट्रोल सिस्टम फाइंड करके वहां पे हमारी चिप लगानी है, जिससे हम
उस सबमरीन को हैक कर सके। आगे हम मेसन को जेट के अंदर देखते हैं, जो उस सबमरीन के ऊपर जंप करने के लिए रेडी होता है। यहाँ सिटेरल के ऑफिस से कार्टर उसे गाइड कर रहा होता है। आगे मेसन उस जेट से जंप करता है और पैराशूट के जरिए उस सबमरीन पे उतर जाता है। फिर वो उस कंट्रोल पैनल को ओपन करता है और ग्रेस ने दी हुई चिप को उसमें ऐड करता है। कार्टर मेसन से कहता है, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुम वहाँ से तुरंत निकलो। मगर तभी मेसन खुद को कार्टर से ऑफलाइन कर देता है और उस कंट्रोल सिस्टम में सेकेंडरी चिप को ऐड करता है और उसको अपनी आवाज से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता है। उसके बाद मेसन ऑनलाइन हो जाता है और कार्टर से कहता है, फ्रीक्वेंसी कट होने के कारण वो ऑफलाइन हो गया था। मगर ग्रेस को मेसन के ऊपर शक हो जाता है। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ कार्टर उस सबमरीन को हैक कर लेता है। आगे कार्टर मेसन और डेविक से कहता है, मैंने सबमरीन को फाइंड कर लिया है। फिर मेसन और डेविक जेट से जंप करते हैं, मगर मेसन को सबमरीन पानी की सतह पर नजर नहीं आती। मेसन कार्टर से उस सबमरीन का लोकेशन पूछता है, तो कार्टर तुरंत इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सबमरीन पानी के ऊपर आ जाती है। फिर मेसन अपना पैराशूट ओपन करता है, मगर वो ठीक से लैंड नहीं कर पाता और उस सबमरीन से नीचे गिरने वाला होता है। तभी नादिया मैग्नेटिक रोप को इजेक्ट करती है, जिससे मेसन बच जाता है। या दूसरी तरफ डेविक काफी आसानी से पैराशूट से सबमरीन के ऊपर उतर जाता है। फिर मेसन अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से उस कंट्रोल सिस्टम को एक्सेस कर लेता है, जिससे उस सबमरीन का डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तभी डेविक धोखे से मेसन को दूर फेंक देता है, जिसके कारण मेसन का पैराशूट ओपन हो जाता है और वो हवा में ही लटकने लगता है। फिर डेविक एक नाइफ से उसकी रोप काट देता है, जिससे मेसन उस सबमरीन से टकरा कर बेहोश हो जाता है। यहाँ नादिया को पता चल जाता है कि नीचे मेसन के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। नादिया कार्टर से कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ, मगर वहाँ के सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर नादिया सबको मार देती है और उस जेट से जंप करती है। आगे डेविक उस न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर देता है और डालिया को कॉल करके उससे कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा था और तुम्हें क्या लगा मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा। आगे डेविक उससे कहता है, मैंने न्यूक्लियर वेपन्स के कोऑर्डिनेट बदल दिए हैं और नए कोऑर्डिनेट मेट्रिकॉर के सभी फैमिलीज हैं। डालिया उससे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए। डेविक उसे बताता है, मुझे भी मेट्रिकॉर का मेंबर बनना है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर दूंगा। मगर डालिया उससे कहती है, हम गद्दार एजेंट से सौदा नहीं करते, मैंने ऑलरेडी उस सबमरीन का स्टेरिंग सिस्टम हैक कर लिया है और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है, और अब मैं उस सबमरीन को उल्टा घुमाऊंगी, जिसके कारण वो मिसाइल वही ब्लास्ट होकर तुम्हारी मौत हो जाएगी। या दूसरी तरफ कार्टर मेसन को कॉल करके कहता है, डेविक ने उस न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर दिया है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर उसे रोकना होगा। आगे मेसन सबमरीन के अंदर एंट्री करता है तो डेविक उसे मारने की कोशिश करता है। तभी नादिया वहां आकर उसे बेहोश कर देती है। आगे नादिया कार्टर से पूछती है, आगे हमें क्या करना होगा। कार्टर उसे बताता है कि मिसाइल को लॉन्च होने में अभी सिर्फ 4 मिनट बाकी है, तुम्हें उस मिसाइल को रोकने के लिए उसका कोर बाहर निकालना होगा, जिससे मिसाइल डीएक्टिवेट हो जाएगी। मगर उन मिसाइल्स को एक टेम्परेचर कंट्रोल रूम के अंदर रखा है, जहां का टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट है, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा, नहीं तो उस रूम का डोर हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। फिर नादिया अपनी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेटर का मेडिसिन इंजेक्ट करती है और उस रूम में जाकर हर एक मिसाइल को ओपन करके उसका कोर निकाल लेती है। यहाँ दूसरी तरफ डेविक को होश आ जाता है और वो मेसन को मारने लगता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। कार्टर मेसन से कहता है, तुम्हारी सिर्फ याददाश्त चली गई है, मगर अभी भी तुम मेसन केन हो। फिर मेसन डेविक के साथ लड़ने लगता है और फाइनली उसे नाइफ से मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ नादिया उस कोर को निकालते वक्त काफी थक जाती है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, जिससे कार्टर उसे कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड बाकी है, उसके बाद मिसाइल्स लॉन्च हो जाएगी। फिर फाइनली नादिया लास्ट कोर को निकाल देती है। यहाँ कार्टर मेसन से कहता है, तुम्हें उस रूम के अंदर जाकर नादिया की मदद करनी होगी, नहीं तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। आगे कार्टर उससे कहता है, तुम्हें नादिया के बॉडी में मेडिसिन को इंजेक्ट करना होगा, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। आगे नादिया नॉर्मल हो जाती है। कार्टर उनसे कहता है, रशियन बॉम्बर प्लेन्स तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहां से निकलना होगा। फिर मेसन नादिया को लेकर उस सबमरीन के ऊपर आ जाता है। फिर कार्टर उन्हें वहां से ले जाता है। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले सिटेडल के हेडक्वार्टर में आता है, जहां ग्रेस मेसन से पूछती है, तुमने उस रेड सेल मिशन में क्या किया था, मुझे लगता है तुम उससे कुछ छुपा रहे हो। मेसन उससे कहता है, मैंने उस सबमरीन में अपना पर्सनल लॉक लगा दिया है और उसका कोड सिर्फ मेरे पास है, अगर तुमने मुझे नादिया का एड्रेस बताया तो मैं उसका कोड तुम्हें बता दूंगा। ग्रेस उससे कहती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि नादिया बर्लिन में है। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है, जहां नादिया मेसन से कहती है, क्रिस्टोफर ने हमें वेलेंसिया के एक ब्रिज के पास मिलने के लिए बुलाया है। आगे तीनों बताई हुई जगह पे जाते हैं, जहां कार्टर एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी स्नाइपर गन से उन्हें प्रोटेक्शन देता है। फिर मेसन और नादिया क्रिस्टोफर से मिलती है। नादिया उससे पूछती है, मेरी बेटी कहां पे है। तभी क्रिस्टोफर एक ब्रिज की तरफ इशारा करती है। उस ब्रिज के ऊपर नादिया की बेटी आशा एक आदमी के पास होती है। आगे क्रिस्टोफर मेसन से कहती है, मुझे न्यूक्लियर वेपन्स के कोर दे दो। यहां यूके में बैठकर डालिया आर्चर क्रिस्टोफर को गाइड कर रही होती है। फिर मेसन उस बॉक्स को उसके सामने रखता है, मगर जब उसका आदमी उस कोर को चेक करता है तो सारे कोर इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर क्रिस्टोफर मेसन से कहती है, इस कोर को अनलॉक कर दो, नहीं तो मैं बच्चे को मार दूंगी। तभी नादिया कार्टर को गोली चलाने का ऑर्डर देती है। कार्टर तुरंत गोली चलाकर उस आदमी को मार देता है, जिसके कारण आशा उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिसे मेसन कैच कर लेता है। या नादिया क्रिस्टोफर के आदमी को गोली उसे मार देती है, मगर क्रिस्टोफर वहां से बचकर भाग जाती है। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले लंदन में आता है, जहां मेसन बर्नाल से मिलता है। फिर बर्नाल मेसन को कुछ फोटोज देता है और उससे कहता है, तुमने मुझे जो एड्रेस दिया था मैं वहां पे गया था, जहां मैंने नादिया के कुछ फोटोज क्लिक की है। आगे मेसन उन फोटोज को देखकर हैरान हो जाता है, जहां नादिया के साथ एक छोटी बच्ची होती है। बर्नाल उसे कहता है, ये तुम्हारी बेटी है। मेसन उससे पूछता है, क्या
इसी बच्ची के कारण नादिया ने सिटाडेल को छोड़ दिया। बर्नाल आगे कहता है, वो बच्ची तुम्हारी है और इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर उसे मिलना होगा। बर्नाल उसे प्लेन के टिकट भी देता है मगर मेसन वहाँ जाने से इनकार करता है। आगे सीन शिफ्ट होकर डाले आर्चर पे आता है जहाँ एक लेडी उसे बताती है, क्रिस्टोफर हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहे, क्या मेट्रिकोल की फैमिली हमें पनिशमेंट देने वाली है। डाले उसे कहती है वो हमें इस बात के लिए पनिशमेंट जरूर देंगे मगर इससे पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं डाले एक कार से निकल जाती है और जाते समय उस घर को बॉम्ब से उड़ा देती है ताकि मेट्रिकोर के लोगों को ऐसा लगे कि डालिया की मौत हो चुकी है। फिर सीन चेंज होकर सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ मेसन उसकी फैमिली से मिलता है। आगे अभी मेसन के गले मिलती है जिसे देखकर कार्टर नादे से कहता है, अभी मेसन की वाइफ कैसे हो सकती है। फिर कार्टर मेसन से कहता है, बर्नाल ने मुझे जेनेटिक प्रोफाइल का बैकअप लेने के लिए कहा था। फिर कार्टर उसे एक ट्यूब दिखाता है और कहता है, अगर तुमने इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया तो तुम्हारी खोई हुई याददाश्त तुम्हें वापस मिल जाएगी। आगे मेसन और अभी एक रूम में मिलते हैं। तुम्हें अपनी याददाश्त लौटानी इतनी जरूरी क्यों है, मेसन उसे कहता है। मुझे पता नहीं कि मैं असल में कौन हूँ और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा असली वजूद क्या है। आगे कार्टर उस ट्यूब को मेसन की बॉडी में इंजेक्ट करता है जिसके कारण उसे बचपन से लेकर आखिरी दिन तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ याद आ जाता है जिसके कारण वो काफी परेशान हो जाता है और एक रूम में चला जाता है। तभी उसे बर्नाल ने बताई हुई बात याद आती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि नादिया स्पेन में है। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले मेसन पे आता है जहाँ मेसन डाले आर्चर से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है, मुझे आपकी जरूरत है एक औरत को खोजने के लिए। डाले उससे कहती है, एक जासूस को मेरी जरूरत कैसे पड़ी। मेसन उससे कहता है, क्योंकि वो भी एक जासूस है। डाले उससे कहती है, क्या तुम्हें सिटाडेल ने उसका लोकेशन नहीं बताया। फिर मेसन उससे कहता है, उसका नाम नादिया सिंह है और वो मेरी वाइफ है। तो डाले उससे कहती है, तो मैं उसे जरूर खोज के निकालूंगी। फिर डाले मेसन को उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है कि उसके पति थॉमस के बॉडी में एक बॉम्ब धमाके के कारण आग लग गई थी और जिसके कारण उसे अपने शरीर की चमड़ी निकाल कर उसे लगानी पड़ी। फिर वो मेसन से कहती है, मैंने अपने हाथ से उस आग को बुझाने की काफी कोशिश की मगर वो बच नहीं पाया और उस हादसे के कारण मैं काफी बदल गई। फिर मेसन उससे पूछता है, फिर आप उस हादसे के बाद अपने घर वापस क्यों नहीं गई। डाले उससे कहती है, जब वो हादसा मेरे साथ हुआ था तब वो घर मेरे लिए घर नहीं रहा, इसी वजह से मैं उस घर में कभी वापस नहीं गई। मेसन उससे आगे पूछता है, आप अपने बच्चे के लिए भी वहाँ क्यों नहीं गई। फिर मेसन उससे कहता है, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ माँ। जिसे हमें पता चलता है कि मेसन डाले आर्चर का बेटा है। खैर उस वक्त मेसन काफी इमोशनल हो जाता है। डाले उससे कहती है, सिटाडेल ने ही तुम्हारे पिता का खून किया है मगर मेसन को इस बात पर यकीन नहीं होता। आगे डाले उसे बताती है, मैं और तुम्हारे पिता एक बिल्डिंग के अंदर थे तभी उस बिल्डिंग के ऊपर 3 मिसाइल आकर ब्लास्ट हो गई। आगे मुझे पता चला कि ये जो हादसा हुआ था ये सिटाडेल ने किया था। असल में सिटाडेल साइबेरिया के टेरेस्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला था मगर उनके कोऑर्डिनेट्स गलत हो गए और जिसके वजह से वो 3 मिसाइल्स एक बिल्डिंग के ऊपर आकर गिर गई जिसके कारण तुम्हारे पिता के साथ 157 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद सिटाडेल ने नाटो CIA और UK के ऊपर प्रेशर बनाया और जानबूझकर न्यूज़पेपर में झूठी खबर फैला दी कि वो हादसा कार में ब्लास्ट होने से हुआ था मगर सिटाडेल को आज तक दुनिया वालों ने कभी सजा नहीं दी और इसी वजह से तुम्हारे फादर की मौत हो गई। अगर तुम चाहो तो अपने पिता का बदला ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास सिटाडेल के सारे सीक्रेट मौजूद है। फिर हम देखते हैं मेसन डालिया को सिटाडेल के सारे एजेंट्स के नाम और उनके एड्रेस भी दे देता है जिसके कारण सिटाडेल के सारे एजेंट्स मारे जाते हैं। फिर हम मेसन को देखते हैं जिसे आज के समय सब कुछ पता चल चुका है कि असली गद्दार नादिया नहीं बल्कि वो खुद है। तभी वहाँ नादिया आ जाती है। अभी मेसन से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है। तो मेसन उसे झूठ बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा और सिटाडेल का फर्स्ट सीजन यही खत्म हो जाता है। तो जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।